Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English class 1. Dear students, I'm going to teach you a poem that is My Cat. It is a very interesting poem about a pet. It is a male cat. Students, male use hota hai aadmi ke liye aur female use hota hai aurat ke liye. To ye ek मेल कैट यानी बिल्ला है। सबके घर में पालतू जानवर होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम अपने घरों में पालते हैं उन्हें पेट्स कहते हैं। पोइट ने एक पेट पाल रखा है जो उसका मेल पेट यानी बिल्ला है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है पोइट कौन होता है? जी, पोइट जो पोइम लिखता है उसे पोइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग रीडिंग एंड ट्रांसलेटिंग दिस पोइम, so please keep your fingers where I'm reading. Okay, I have a cat. मेरे पास एक बिल्ला है. His name is Rish. Students, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि Rish जो है वो मेल कैट है और मेल के लिए हम ही यूज करेंगे. उसके बाद जब उसकी बिलोंगिंग्स के बारे में बात करेंगे तो हम हिज यूज करेंगे एज अ प्रोनाउन. हिज फर इज वाइट. फर कहते हैं खाल को. उसकी खाल सफेद है. एंड ही लाइक्स फिश. लाइक कहते हैं पसंद करने को. और उसे मछली पसंद है. ही हंट्स एंड वॉक्स. हंट कहते हैं शिकार करने को. वॉक का मतलब होता है चलना. वो शिकार करता है और चलता फिरता है. अबाउट माई हाउस. अबाउट यहाँ पे मुतालिक नहीं आएगा, इर्द गिर्द आएगा. मेरे घर के आसपास. ही इज ऑलवेज आउट. आउट कहते हैं स्टूडेंट्स बाहर. वो हमेशा बाहर ही होता है. टू कैच अ माउस. कैच मीन पकड़ना होता है. एक चूहा पकड़ने के लिए. I play with him. मैं उसके साथ खेलता हूँ. And keep him clean. Clean का मतलब होता है साफ सुथरा रखना. और उसे साफ सुथरा रखता हूँ. A smarter cat. Smarter का मतलब होता है होशियार, चालाक. इससे ज्यादा होशियार बिल्ला you have never seen. आपने कभी ना देखा होगा. So students, we have completed the translation of this poem. So your task is to read the poem and learn translation. Allah Hafiz and take care.